नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा। मृदुभाषी की खास पेशकश 2 PM शो में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों का जो सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी और नशाबंदी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सरकार के बाद अब बीजेपी से अपील की है। उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा को इस बाबत चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मध्य प्रदेश में शराबबंदी और नशाबंदी को सरकार की जिम्मेदारी बताई। साथ ही उमा भारती ने प्रदेश अध्यक्ष से शराब दुकान पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला अध्यक्षों और विधायकों का सहयोग लेने की अपील भी की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस में रहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन भाजपा में बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी की युवा शाखा को कांग्रेस संगठन की अहमियत के बारे में बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर वह कांग्रेस में रुक गए होते तो वह मुख्यमंत्री बन सकते थे। बहुचर्चित बटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक केस में दिल्ली की एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिस खान को दोषी करार दिया है। आरिस खान को कितनी सजा होगी, अदालत इसकी घोषणा 15 मार्च को करेगी। अदालत के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का पुराना बयान शेयर किए जाने लगा है। साथ ही लोग आरिस खान के दोषी होने पर कांग्रेसी नेता को ट्रोल करने लगे। उस समय सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बटला हाउस की तस्वीरें देख सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। इसके लिए इन दिनों मायावती प्रदेश के हर मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं और उनको दमदारी के साथ चुनाव लड़ने का निर्देश दे रही हैं। मंडलीय बैठक में मायावती ने सबसे पहले कानपुर, चित्रकूट और झांसी के मंडल पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है। मायावती ने मुख्य सेक्टर प्रभारियों को आदेश दिया है कि पंचायत इलेक्शन को वह दमदारी के साथ लड़े। वहीं उन्होंने जिला पंचायत सदस्य चुनाव पर अधिक ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। गोटेगांव के करकबेल रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज का उद्घाटन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया। समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और जबलपुर सांसद राकेश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। करकबेल में कार्यक्रम का नेतृत्व जनपद पंचायत अध्यक्ष संतोष दुबे ने किया। हमें अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मृदुभाषी। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।